हे गाइस, व्हाट्स अप। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ द डे। और दिन के सॉरी शाम के बज रहे हैं 6:07। तो सारे काम काज मीटिंग निपटा दी गई है और अब मिला है ब्लॉग शूट करने का टाइम। आज मैं कॉलेज नहीं गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था और घर से ही सारी मीटिंग्स जो है लाइंड अप हो रखी थी। तो मैंने सोचा है पहले मीटिंग्स वीटिंग्स निपटाते हैं। और सॉरी, मैं एक जगह बैठ के बात क्यों कर रही हूँ पता नहीं। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ। और यहाँ तो भाई हर दिन सर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं और मैं भर्ती बोलने वाली थी। जय जय गणपति पप्पा। तो अब चलते हैं बाहर और एज यूजल मेरी स्लाइड को ठीक नहीं कराया जाए। उप्स, दादाजी। और ये पीहू है। पीहू पीहू, इसको सुनाई नहीं दे रहा है गाइस। ये आ गई है पीहू। कहाँ आ गया, तो क्या हो गया? और ये जैकृत, इनकी रेसिंग चल रही है शायद। मैं भी बहुत खेलती थी गाइस बचपन में। अपने बचपन में इसी गली में मैंने खूब खेला है बैडमिंटन, खो खो, कॉमन टू कॉमन कहते हैं ना उसे, वो शायद कॉमन टू कॉमन, वो भी खेला हुआ है गाइस मैंने। और यहाँ गाड़ियाँ भर रखी हैं भैया अभी तक। तो अब चलते हैं मम्मी के पास थोड़ा बाहर, तो भैया बहुत ठंड हो रही है। और आज मम्मी ने अभी दिया भी नहीं जलाया है, तुलसी माँ को भी वो भी जलाएंगे के आगे। और चलो गाइस चलते हैं अंदर। अरे बाप रे, इसे बंद कर दो भाई घर के दरवाजे। और यार यहाँ देहरादून में इतना ज़्यादा चिकनगुनिया डेंगू फैल रखा है। मेरी एक रिलेशन में आंटी है और ये आंटी क्या, उन आंटी को हुआ है 104 बुखार चल रहा था कल। मम्मी क्या बन रहा है? हेलो गाइस, एक बात बताओ। हेलो तो ठीक है, आपने इसकी एडवर्टीजमेंट नहीं की फिर दोबारा। ये चाय मसाला, हाँ हर व्लॉग में अपना चाय मसाला चाय दिखाती मसाला हैं। बनाए इतना अच्छा है, और ऐसा तो बन भी बहुत मुश्किल है बनाना सच में। इसके एक-एक चीजों को मैंने सुखाया खत्म ना है। हो जाए इसको और बना दो, मैं तो कह हाँ, रही और हूँ। बनाते हैं साथ साथ आज क्या बनाते बन रहा हैं। है? आज मैंने बनाई है सफेद सफरी वाली सूखी दाल, हाँ और फिर इसके लिए आज मैंने थोड़ा सा ये हरा प्याज हरी मिर्च है इसके ऊपर जो मैंने अलग से ये तड़का ये तो अच्छा लग रहा है डालना, बहुत। और सूखी दाल है ये, है ना और ये वही सफेद वाली रंग दाल है ना का। जो हम ट्रेन में हाँ, सफर के और टाइम जिन कितनी पे बार खाते बनाए हैं, थे मैंने आलू आलू, वड़ी। और ये वड़ी है अमृतसरी वड़ी है, ये भी बहुत टेस्टी बनते हैं। चलो मैं रात में खा लूंगी, दिन में मैंने खाना नहीं खाया था। और तो फिर आप चाप नहीं बना रहे हो आज? नहीं, चाप नहीं बना रहे। तो गाइज हमने पहले सोचा था कि आज हम चाप बनाएंगे। हम लोग यहाँ पे विंटर्स में ना बहुत ज्यादा पनीर टिक्का और ये चाप और ये कमाना वगैरह, यहाँ पे ये माइक्रो अभी तो आगे सामान पड़ा है इसके आगे, मतलब इसके अंदर बनाते हैं। और अभी आ रहा है पिज्ज़ा, अंश ने ऑर्डर करा है तो अब खाएंगे पिज्ज़ा। यम्मी यम्मी पिज्ज़ा आ रहा है अंश, ये देखो पढ़ाई में लीन इतना है, मगन है। सुनाई सब दे रहा है इसे, सुनाई से सब दे रहा है। क्योंकि गाइस हमारे यहाँ थोड़ा सा काम चल रहा है, और काम चल रहा है हमारी पूरी छत हम लोग नए तरीके से रेंडमेंट वगैरह करा रहे हैं। अभी बिजली का काम भी है उसमें, और पानी का काम आपने अपने भी डेट्स साथ खाए? साथ आज हो चुका है। हाँ खाए, हाँ छत पे भी बहुत सारा दिन आज खटखट खटखट सारा खटखट लगी रही। दिन और ये गए, सारा देखो दिन छत पे। अब मैं वहीं से धूल मिट्टी सीख दिवाली ली के अपने डब्बे, आके, ये सिल भी गए हैं अब तक, ये सिल चुके यही हैं, सीख मगर ये डब्बा अच्छा लग रहा है। सीलन ग्लिटर, हमारे अरे यार दिमाग में ग्लिटर है। ग्लिटरी हो अच्छा, रही। हाँ सीलन हमारे दिमाग में आ गई है। अच्छा सीलन मेरे दिमाग में कहाँ आएगी। तो गाइस सुबह से बहुत थक गए हैं, इसलिए आज बहुत हम ज्यादा थक गए बहुत हैं, ज्यादा आज थक गए हमने हैं, बहुत बहुत ज्यादा काम काम था, काज निपटाए हैं, तो इसीलिए आज मम्मी पिज्जा बहुत। पार्टी भी दे रही है, आज वरना पिज्जा ये बाहर का पार्टी खाने नहीं देती है। गाइस, स्नैक्स बैन वगैरह लगा रखा है का आज मम्मी ने मेरा बाहर के बिल्कुल खाने मन पे नहीं हमारे। है आज। कितनी देर में आ रहा है आपका पिज्जा? बस भैया ने फोन किया है, कह रहे अभी आने वाले हैं। अच्छा अरे तो गाइस पिज्जा पिज्जा कहाँ रह गया है पता नहीं। नहीं, ये चाकू लेके बाहर क्यों आ गए आप?
मैं वो लहसुन और प्याज उसका लहसुन और अदरक का पेस्ट बना रही थी। मैंने ये सोचा थोड़ा सा बना के रखी हाँ। क्योंकि 2-4 दिन में फिर थोड़ा सा किचन का काम भी कराना है। ओ गॉड गाइस, मैं बता रही हूँ, हर 6 महीने में, 6 भी ज्यादा बोलते हैं, हर 2 महीने में जब तक धूल मिट्टी का काम ना हो घर में, मम्मी को चैन नहीं आता। और ऐसा इसीलिए नहीं आता क्योंकि इन्हें पता है कि मेरे को एलर्जी है धूल मिट्टी से। दिवाली पे ये सारे काम होते हैं। दिवाली पे भैया कह रहे हैं कि मुझे घर जाना जरूरी है, तो इसीलिए मैंने उनको बोला ठीक है आप घर जाओ। तो अब वो गाँव से आ गए, अब वो अपना काम करेंगे, लेकिन आते ही उन्होंने बहुत अच्छा काम लग गए हैं। चले अभी छत, आज छत पे चले, अभी 3 दिन कंप्लीट, अभी दिख जाएगा हमें नहीं, काम नहीं, अभी बिजली का काम होगा ना फिर चलेंगे। चलो ना छत पे हाँ। अच्छा तो ये देखो पीयू को नीचे से क्या होने वाला है, ये क्या है तुम्हारे हाथ में दिखाओ, इसमें क्या करा जा रहा है? पढ़ाई करते करते बाहर नंगे पाँव क्यों घूम रही हो तुम? इससे ना झटके लग जाते हैं, हमारी बातें सुन के बाहर आ जाती है फिर आंसर देने। नंगे पाँव क्यों घूम रही हो, ये बोली मैं। अभी आया नहीं है, आ गया है? हमारा तो कोई स्विगी नहीं ऑर्डर करा हमने, नहीं हमने कल रात को चाप मंगाई थी, वैसे मन तो हमारा था। गाइस देख रहे हो तुम, मैं हैकर बनने की कोशिश। ओ गाइस एक सेकंड कॉल आ रहा है, तो ये देख लो मम्मी चाकू दिखा रही है, उन्हें क्या रूपे कह रही है, देख लो तुम्हें गैलरी में एक चाकू हिलाती हुई आंटी दिखेंगी। और ये आ गया है हमारा पिज्जा गाइस, एंड देखते हैं अब देखना क्या है, अब तो खाना है सीधा। ये यहाँ ये सिस्टम चलता है गाइस, बाल्टी नीचे होगी ठीक है, इस बाल्टी में हमारे पिज़्ज़ा आएंगे, फिर हमारे पैसे आएंगे, मतलब पैसे भी इसी में जाएंगे, पैसे इसी में जाएंगे। यार मैं कितना फंबल कर रही हूँ, कितनी गड़बड़ कर रही हूँ, इसमें जाएंगे हमारे पैसे, फिर आएंगे हमारे पिज़्ज़ा, ऐसा होगा गाइस सिस्टम। लाओ अंश पैसे तुम पे। अच्छा तो ये कह रहा है मैं नीचे जाऊँगा, ये जा रहा है गाइस नीचे और फिर ये लेकर आएगा पिज़्ज़ा। सिस्टम है हमारे यहाँ बाल्टी सिस्टम, अब यहाँ से हमारे पिज्जा आ जाएंगे, ऊपर आएंगे, देख लो ये हर 10 साल से बदली नहीं हुई है ये गाइस, ये हर मिडिल क्लास वो है क्या कहते हैं ये बाल्टी वाला सिस्टम, इसमें पिज्जा आएंगे। और यहाँ सब आ चुके हैं, एक बार सबने अपना अपना धरना भी दे दिया है, चेकअप कर लिया है। और पिज्जा हमारे आ गए हैं गाइस, ये देखो हाथ में रख के क्यों बैठा है गाइस, ये पैसे नहीं दे रहा, बताओ पहले माल ले लिया पैसे नहीं दे रहे हैं, पहले माल ले चुके हैं, पहले माल ले चुके हैं, भैया को पैसे नहीं दे रहे हैं। 2 यार पहले ना डोमिनोज का मेन्यू मिलता था गाइस, अब नहीं मिलता, क्या दे रहा है, बड़ी हो गई ना छोटी सी चीज। चलो ये लेके चलते हैं तो दे दियो। तो गाइस ये पैसे देते देते आएगा, और थैंक्स भैया को भी जो पिज्जा लेकर आए हैं इतनी ठंड में भैया, और रेटिंग जरूर दे दिया करो गाइस, मैं जरूर रेटिंग देती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है रेटिंग देना। कहाँ ले गए पिज्जा, और मम्मी पिज्जा छुपा के आ गई है, नहीं छुपा रखा, तो यहाँ आ गए हैं गाइस पिज्जा, मम्मी कह रही है मैं अकेले अकेले पार्टी करूंगी आज। ओके तो ये आया एक डब्बा, 2 डब्बा, 1 तेरा, 1 मेरा, 1 मेरा, 1 तेरा, ठीक ना? नहीं चलो ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ भी गाइस यहाँ लड़ाई हो जाएगी। ये आया है पास्ता, बहुत टाइम बाद मन था खाने का। ये आया है एक पिज्जा और, ये एक पिज्जा और, ये एक पिज्जा, पिज्जा 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 पिज्जा, 4 पिज्जा आए हैं। और ये आए हैं मसाले, मसाले जो इसके साथ है, चिल्ली फ्लेक्स, ओरिगैनो वगैरह है। गाइस तो, आपको बताना आपको कौन सा पिज्जा हाँ अच्छा लगता है, बेटे कौन से आए हैं? ये आया है अच्छा लगते हैं, ये वाला पिज्जा आया, ये वो वेजीज वाला होता है ना, वेजीज, और इसमें ज्यादा ऑलिव हो। हाँ, और ये जैलेपिनो वाला है गाइस, जब मैं खोलूंगी तब दिखाऊंगी, अभी ठंडा हो जाएगा ये। एक ओरियो भी रख देता हूं गाइस के लिए ना, ओरियो गाइस खुद देख देख के गाइस तुम लोग भी कहोगे कितने ओरियो दिखा दिए तुमने, ये देख लो। एक गाइस ओरियो भी फ्री लिया है, ऐसे नहीं फेंकते हैं, खाने की चीज है। तो
अब इसको खाते हैं। आ जाओ, वो अभी तक मूंग की दाल अपनी ठीक कर रही है। आ जाओ। गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप, कैसी हो रही है सबकी सुबह? भाई यहाँ तो 9 बज गए, मैं तो पिज़्ज़ा वीज़ा खा के सो गई। अंश निकल गया अपने कॉलेज के लिए और मेरी तो आज छुट्टी थी क्योंकि घर से ही काम है अभी फ़िलहाल। और यहाँ कपड़े वगैरह सब सूख रहे हैं, देखो सामने वाले घर के भी, इधर हमारे घर के भी, और ये कारपेट पुराना। सुबह होती है और सब काम काज कपड़े सुखाने में पहले लग जाते हैं। सबसे वैसे अच्छा टास्क यही है कि पहले कपड़े धो लो, बहुत झंझट रहता वरना। और यहाँ ये कारपेट भी सूख रहा है हमारा, फैंसी पैंसी नया वाला, जिसकी कहानी अगर नहीं देखी तो जाके देख लो फटाफट व्लॉग में, दिवाली वाली व्लॉग में मम्मी ने इसकी कहानी बता रखी है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी। बार्गेनिंग पावर देखो गाइस, बार्गेनिंग पावर्स, मम्मियों की बार्गेनिंग पावर। और रात में दाल जो बनाई थी वो बच गई और अब उसका बन रहा है पराठा। ये देखो दाल इसलिए बच गई, तुम लोगों ने पिज्जे खा लिए हैं। आपने नहीं खाया? मैंने खाया लेकिन मैंने दाल भी खाई है। ये है दाल का, इसमें क्या क्या डाला? प्याज, अदरक, हरी मिर्चा और नमक। मिर्चा या मिर्चे? मिर्च, हरी मिर्च। हाँ, अमचूर और लाल मिर्च होती है मम्मी, वो जरा बिहारी स्टाइल, टाटा स्टाइल। अच्छा हाँ, तो ये जो है मिर्चा बोलते हैं ना वहाँ, तीखा होना चाहिए। हाँ तीखा है बहुत। और ये परांठा बन गया है तुम्हारा, ठीक है? और ये घी का, घी घी का बोल रही है मम्मी ने, घर में घी निकाला रखा है और इधर और निकालने की तैयारी चल रही है। और ये मेरे बालों के लिए बनाया है मम्मी ने दवा, टॉनिक। इसमें ये होगी ऐसी महक जिसे लगाते सार पहले तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। होता है यार ऐसे मेरे साथ। दीक्षा मैं कितनी देर से लगी हुई हूँ फिर भी तुम लोग देखो। ऐसा कोई नहीं, चलो अप्रिशिएट करते हैं आपकी मेहनत को। और यहाँ और घी बन रहा है। सिक्किया तो ये बन चुका है गाइस हमारा पराठा। लोगे? नहीं, अमूल बटर। घर का भी ले लो, अमूल का भी। घर का बड़ा वो हो जाता है, मतलब अच्छा तो लगता है मुझे घर का बटर, मगर आज मेरा मन नहीं है। दो ये खाते हैं गाइस, फिर मिलते हैं आपसे। तो बॉस नाश्ता हो चुका है और यहाँ लाइट खोल दी है, अंधेरा सा हो रहा था और अभी अंदर चल रहा है काम। और मैं दिखाती हूँ जैसा कि कल के व्लॉग में बोल था, छत का व्लॉग और जो जो काम हुआ है तो वो देखते हैं। और कपड़े भी सूख रहे हैं ऊपर, तो डोंट माइंड गाइस, दिस इज द यू नो नेचुरल। और ये सारा एक जगह इकट्ठा हो गया है गाइस, छत पे ये हुआ है, ये पूरा फर्श जो है ना ये दोबारा से रेनोवेट हुआ है, फ्लोरिंग हुई है इस पे दोबारा से, साफ सफाई। और यहाँ पे अच्छे अच्छे फल आ रहे हैं मुझे नज़र, फल सब्जियाँ, ये देखो एकदम प्रॉपर हो चुका है ये। और यहाँ ये अनार और ये मिर्च और ये टमाटर, एक ग्रो हो चुका है रेड वाला और बाकी के लाल होने बाकी हैं। यहाँ पर भी मिर्च है, बैंगन है। दिखाने आई थी मैं फ्लोर, छत की ज़मीन, और दिखा रही हूँ मैं सब्जियाँ। बस गई, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस यही हुआ है, इतना कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। और ये रोज़ कितना प्यारा लग रहा है और ये पूरा नेचुरल है, कड़ी पत्ता है, सब कुछ है, नींबू है, नींबू भी आ गए हैं, सर्दियाँ आई हैं तो नींबू भी आएंगे बहुत अच्छे तरीके से। और अभी यहाँ पे पेंट की स्मेल स्मेल से हो रही, तो मेरे को ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे एलर्जी है थोड़ी धूल मिट्टी स्मेल से एकदम। और गाइस ये जो तुम देख रहे हो ना, ये वाटर टैंक है और यहाँ पर बिल्ली रहती है, आई मीन यहाँ नहीं रहती, ये इसके इधर ना हल्की सी स्पेस है, ये देखो ये जो देख रहे हो इधर, इधर हल्की सी ना, इधर नीचे ना हल्की सी स्पेस है, तो वहाँ नीचे बिल्ली रहती है और बिल्ली की बिल्ली की मम्मी, बिल्ली का बच्चा रहते हैं और हम उन्हें दूध डालते हैं। सीढ़ी पे इनका कटोरा रखा हुआ है। बस गाइज यही हुआ है, ये पूरा पेंट हुआ है, ये पूरी गड्ढे गड्ढे जो थे वो पूरे ठीक हुए हैं और बहुत अच्छा आज सनी सनी।
आपने जो देखा, आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा। अगर आप नेचर लवर होंगे यू विल डेफिनेटली लव दिस। अगर आपको ऐसे पेड़ घर पे ऑर्गेनिक चीज़ें पसंद हैं, फ्लावर्स ये सब, और यहाँ बिल्ली का कटोरा मम्मा ने भर दिया है, बिल्ली मौसी का, और हम चलते हैं अंदर। और मैं ऊपर नीचे से ऊपर इसलिए यहाँ पे क्योंकि मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर रही थी। और यहाँ क्या बन रहा है भाई? दाल चावल। दाल रख दी? दाल रख दी। और ये तड़का लग रहा है, ऐसा बलका का ये तड़का लगेगा। कड़ी पत्ता? कड़ी पत्ता अभी जाऊंगी तो लेके आऊंगी। हाँ मैं गई थी, मुझे बता गए थे। और तो गाइस दाल को बनने देते हैं। हाँ मम्मा देखना दाल कौन सी खत्म हो रही है तो वो लेके आएंगे ना। कौन सी खत्म हो रही है बता? ये वाली। नाम क्या है? पता नहीं, जानबूझ के कर रहे हैं ना आजकल, सब मेरे साथ ऐसे ही कर रहे हैं, मुझसे वो चीजें पूछ रहे हैं जो मुझे नहीं पता। दीक्षा का रूम कर दे, मुझसे सब ऐसी चीजें पूछ रहे हैं जो मुझे नहीं पता जानबूझ के, क्योंकि इन्हें मजा आता है। मिलते हैं हम आपसे एक न्यू ब्लॉग में। टिल देन गाइस ढेर सारा प्यार, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सबका ख्याल रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, ब्लेसिंग्स दीजिए और गुड वाइब्स को स्प्रेड कर दीजिए एकदम, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक और कमेंट भी कर ही देना। बाय बाय, सी यू गाइस, लव यू ऑल।